अन्ना हेलो कर दो, हेलो अन्ना हेलो ही नहीं कर रहे। गाइस हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है अलापुजा के लिए। हम जा रहे हैं मेगामॉल से अलापुजा, और अभी हम लोगों ने कुछ रास्ता कवर कर लिया है। अलापुजा फेमस है अपने बीचेस के लिए, बैक वाटर जो लेक्स होती है उसके लिए। तो चलेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लैप्स देखो बढ़िया सा। पहुंचने वाले हैं, उससे पहले हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। अब दिखाता हूँ आप लोगों को रेस्टोरेंट। नाम है सैफ किंग फैमिली रेस्टोरेंट और इस जगह का नाम है मुदक्कल्ली नेंदूर। तो देखिए ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और कुछ रोटी वोटी खाते हैं, और रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये है केले की केले का पकौड़ा, है ना, कितना लजीज लग रहा है। इसको टेस्ट करके बताता हूँ मैं आप लोग। देखिए अंडा केला है, ऊपर कितना मीठा है, ये मस्त लग रहा है। ये देखिए भैया हम लोगों ने थाली मंगाई है। देखो भाई लोग थाली मंगाई है, केरला की स्पेशल राइस है। आप देख सकते हो एकदम मोटे होते हैं। इसमें सांभर डला है, ये कुछ करी है, पिकल है, चटनियां हैं यहाँ पर, ये बंद गोभी का कुछ है, पापड़ है, इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो अचार। और ये अब खाना स्टार्ट करेंगे, मस्त खाना अच्छा लगा ना केरला का ट्रेडिशन। लंच फिनिश और अब हम निकल रहे हैं आगे एलएपी के लिए। चलो एलएपी मिलेंगे, बीच वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को शाम तक। पहुंच चुके हैं अलापुजा। यहाँ पर हम देखने आए हैं सी, एंड तो हम देख सकते हो बोट, और काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, बहुत अच्छा लुक है। अलापुजा की खासियत बताओ ना, तो यहाँ पर है बैक वाटर्स। बैक वाटर्स का मतलब ये होता है जो बीच का पानी या मतलब सी का पानी होता है वो एक जगह रुक जाता है और लेक जैसा बन जाता है, पर वो सॉल्ट लेक होती है, उसे बोलते हैं बैक वाटर्स। तो यहाँ पे बैक वाटर्स में शिकारे चलती है। और अभी हम लोगों ने शहर के अंदर गाड़ी रोकी, शहर के अंदर आपको मस्त चीज दिखाता हूँ, ठीक है। शहर के अंदर एक छोटी सी नहर में देखो यहाँ पे शिकारा रखी हुई है, ये देखो शिकारा, ठीक है। और वो देखो दूर, वो इतनी बड़ी वाली यहाँ पर शिप खड़ी हुई है पूरी। यहाँ पर खड़ी है नाव, और यहाँ से ये देखो यहाँ भी नाव खड़ी हुई, ये बड़ी वाली क्रूज खड़ी है। सबके अलग अलग प्राइस है। ये यहाँ से 23 किलोमीटर का सफर करती है, और पूरे पूरे यहाँ पे बैक वाटर में जाती है और पूरा घुमा के लेकर आती है। आपको दिखाया था अलापुजा आ गए थे, अभी हम अपने रूम में आ गए हैं। हमने यहाँ पर रूम रेंट किया है, डोरमेट्रीज हैं, पर हमारे चार रूम है जिसमें 14 पीपल हैं। ऊपर बहुत बढ़िया है, आप लोगों को अपना होटल दिखा। होटल है आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर सेकंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर हमारे रूम्स हैं, और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो अंदर चल के आपको रूम्स का व्यू दिखाता हूँ, और आपको एक सरप्राइज है वो भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। हमारा ऊपर का फ्लोर है पूरा, देख लो यार एकदम लाइटनिंग लगी हुई है शानदार, ठीक है। एक रूम हमारा ये है, इस रूम में नवनीत शिव सेट्टे वगैरह लेटे हुए, ठीक है। और ये पूरा ये बना हुआ है। मैंने आपको बोला था एक सीक्रेट है, वो मैं होटल में जा रहा था उससे पहले बोला था, और अब वो सीक्रेट हम लोग रिलीज करने वाले हैं। तैयार हो आप लोग देखने के लिए। और ये है वो सीक्रेट, ये है बीच अलापुजा बीच जिसका नाम है पाम बीच, ठीक है। और अभी अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, सुबह का सनराइज आपको यहाँ बेहतरीन दिखाएंगे। और वो जो शाम को सामने दिख रहा है ना, वो हमारा होटल है। आप लोग को हम लोग समुद्र तो दिखा नहीं सकते, पर समुद्र की आप लोग आवाज फील करिए। हॉल देखो रात में मस्त है, टी पॉइंट बना हुआ है, तो देखो झालर वाला लगी है, और ये बीच के किनारे पूरा माहौल है। अन्ना वगैरह क्या मिल रही, चाय बढ़िया गर्मा गर्म। ये देखो देखो बाबा लोग, अब आ गए हम लोग यहाँ घूमने, कुछ कुछ खाने पीने आइटम एक्सप्लोर करने। भुजिया रेत पे कैसे चल गए, कैसा लगा भुजिया?
रेत पे चल के कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा, बहुत देखो अन्ना की दुकान में कैसे बढ़िया सी सुंदर सी मिर्चियां टंगी हुई हैं। ये एलोपूजा बीच में, ये गोभी मंचूरियन, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मस्त। अन्ना हेलो कर दो, हेलो अन्ना, हेलो ही नहीं कर रहे। गाइज अभी हम लोग यहाँ बीच में घूम रहे थे और आपको दिखाते हैं बहुत बेहतरीन चीज हमें देखने को मिली। एक मिनट रुको, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। गाइज एक और चीज खतरनाक, हम लोग को रात में इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है ना एलोपूजा में, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ चल रहा है फूड फेस्टिवल और उसके अंदर करते हैं हम लोग एंट्री फूड फेस्टिवल। ये देखिए भाई किस्मत, ये देखिए फूड फेस्टिवल। आज हम लोग ये खा रहे हैं, इसका नाम क्या है? चक्का प्यासम। दिस इज चक्का कटलेट। ये सारा का सारा कटहल का बना हुआ है, कटहल का आइटम। दिस इज स्वीट समथिंग चक्का पाजा उन्नीपम, और यहाँ पर है ये वजा न्यापम। तो सबसे एक एक करके राय लेंगे, सबका एक एक टेस्ट करेंगे। और ये सारा प्योर वेजिटेरियन जैक फ्रूट पे बना हुआ है, जैक फ्रूट का बना हुआ है। ये चक्का प्यासम कैसा लगा प्रणव? एक्चुअली स्वीट है, ऐसा लगता है इसमें ये डाला है, क्या होते चॉप करके डाला गया है। ये वजाना अफियम और इसका जो टेस्ट है वो प्लेन है, ना ही स्वीट है, ना ही सॉल्टी है, बिल्कुल प्लेन टेस्ट है। और आई रियली डिडंट लाइक इट। देख रहे हैं कटलेट, सिद्धार्थ भाई बताओ कटलेट कैसा लग रहा है? मैं यार ये कटहल का कटलेट टेस्ट करके बताता, अच्छा है, मतलब स्पाइसी नहीं है, थोड़ा अलग लग रहा है, मस्त लग रहा है। स्वीट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, स्वीट भी नहीं है ना, स्पाइसी है, थोड़ा अलग सा टेस्ट है, मगर मस्त लग रहा है, मतलब कुरकुरा सा फील आ रहा है, मस्त लग रहा है। इस दुकान से हम लोग ले रहे हैं फ्रूट सलाद, तो अभी आंटी हमें फ्रूट सलाद देंगी, इसको लेके हम जा रहे हैं। बस इतना ही खाना था, बाकी सब डोसा वगैरह है वो हम लोग को खाना नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा पेट भरा हुआ है। बाहर से एक बार आप लोगों को नजर आते हैं, आप लोग एलोपूजा हम लोग नाइट में घूम रहे थे। ये यहाँ का लाइट हाउस, ये देखो, क्योंकि यहाँ समुद्र से 20 मीटर थोड़ा सा दूर है, यहाँ से समुद्र 100 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ से लाइट हाउस से देखा जाता है।